ऑपरेशन भी कर देते हैं। ये कोई मैं किसी गांव की बात नहीं कर रहा, लाहौर के जिना हॉस्पिटल में ही ऐसा हुआ और मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में भी ये होता है, जिसकी बुनियाद पर आवाम परेशान है कि हम टैक्स देते हैं और टैक्स न जाने कहाँ जाता है। अब डॉक्टरों से पूछ लो, वो कहते हैं हमें मेडिसिन नहीं मिली, डॉक्टर से वो हमें फंड नहीं मिले। तो ये हम डॉक्टर तनवीर रशीद साहब से ये कहेंगे, ये दोहरा मेयार जो है ना डॉक्टरों का और इंतज़ामिया का, इसका ज़रा पर्दा जाग करें। जी डॉक्टर तनवीर रशीद जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच एहसान साहब कि आपने इनवाइट किया हमें स्पेशल हेल्थ शो के ऊपर, जो कि आपका सियासत बखैर के नाम से चल रहा है आज। क्यों, जितनी दफ़ा भी मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरे से ये सवाल ज़रूर हुआ है कि सिक्योरिटी गार्ड ऑपरेशन कर देते, तो मैं इसका एक दिन सोच रहा था कि सिक्योरिटी गार्ड ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो अभी भी जब आपने किया तो फौरी, अभी भी जब आपने सवाल किया तो फौरी तौर पर मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मे भी हो सकता है कि कोई बेचारा ओटी टेक्नीशियन हो, उसको जॉब ना मिली हो तो वो सिक्योरिटी गार्ड भर्ती हो गया हो, तो उसका एक्सपीरियंस हो, उसने सोचा डॉक्टर साहब लेट हैं तो चलो मैं ही कुछ कर दूँ। तो मे भी हो सकता है कि इसका हल ये भी हो जाए, लेकिन ये शाज़ो नाज़र इस तरह होता है। हम अपने नाज़रीन को क्लियर करने के लिए बताना चाहते हैं कि जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट होते हैं, वो आपके THQ लेवल पर हों, वो DHQ लेवल पर हों, वो BHU पर हों, या बेसिक हेल्थ यूनिट जितने भी हमारे होते हैं, तो यहाँ पर चूँकि लोड ज़्यादा होता है और जो हमारे MS लगते हैं मैनेजमेंट के लिहाज से, MS का काम होता है कि उसने मैनेजमेंट को देखना है, इसके ऊपर फिर CEOs होते हैं, फिर डिफरेंट प्रोफेसर्स हैं, APs हैं, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। अब होता ऐसे है कि जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो म्यू हॉस्पिटल की, म्यू हॉस्पिटल जो कि एक बड़ा हॉस्पिटल है और पेरीफ्री एरिया से जितना भी लोड आता है वो सारा म्यू के ऊपर आता है। इसी तरह अगर हम सर्विस की बात कर लें, जिनाह की कर लें, जर्नल की कर लें, या किसी और भी जो भी टीचिंग हॉस्पिटल जितने भी हैं, तो बेसिकली वहाँ पर वो पेशेंट आते हैं जो निचली सतह पर अपना इलाज करवा चुके होते हैं और उनके पास फाइल्स भी होती हैं, वो रेफ़र हुए होते हैं। जी जी। जब वो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे टीचिंग हॉस्पिटल का अपना एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें उन्होंने टू दी पॉइंट जो है ना प्रॉपरली पेशेंट को लेके चलना होता है, जिसमें उसकी बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, फिर उसका थ्रू चैनल OPD से होते होते वो पेशेंट ऑपरेशन तक पहुँचता है। राइट। अब इस सारे मराहल के अंदर उसको थोड़ा टाइम लगता है और इस टाइम और जिल्लत से बचने के लिए हर पेशेंट एक शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करता है, जिसमें वो कोशिश करता है कि किसी PO को मिल लो, या किसी वार्ड बॉय को मिल लो, या किसी GP को मिल लो, या वहाँ के किसी MO को मिल लो, या किसी भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बंदे को मिल के कोई सिफारिश करवाई जाए ताकि मेरा नंबर जो है वो जल्दी आ जाए। अब बेसिक इशू जो आपने रेज़ किया वो ये है कि हॉस्पिटल में लोग जाना पसंद क्यों नहीं करते, या वहाँ पर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाना चाहते, वो चाहते हैं कि मेरा टाइम बच जाए। चूँकि टीचिंग हॉस्पिटल का जो प्रोटोकॉल है उन्होंने अपने प्रोटोकॉल के मुताबिक चलना होता है, चूँकि पेशेंट ऑलरेडी वहाँ पर पहले जितना सफ़र करके आया होता है, तो उनका काम ये नहीं होता कि पेशेंट सामने आया सिर्फ मैंने उसकी हिस्ट्री ली और मेडिकेशन करा। डॉक्टर साहब पूरी कॉम प्रोटोकॉल की मारी है आपने, इस पर फिर प्रोटोकॉल ये लफ्ज़ कह के ना लोगों को आपने ध्यान में डाल दिया है। व्हाट मींस ऑफ द प्रोटोकॉल हेयर? सर हम जो प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं वो पेशेंट प्रोटोकॉल है। जिस प्रोटोकॉल की आप बात कर रहे हैं वो बेसिकली एलियट क्लास और हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके लिए। डॉक्टर बेसिकली एक खादिम का किरदार अदा करता है, पेशेंट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में जब पेशेंट सामने बैठा होता है तो हम उसको पीरों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जैसे आप गली मोहल्लों में लोग पीरों की पूजा करते हैं, तो हम पेशेंट की कर रहे होते हैं, क्योंकि ये हमारा फर्ज है। हम पेशेंट को प्रॉपर सुनते हैं, उसकी हिस्ट्री को मेंटेन करते हैं, और चूंकि पेशेंट को किसी चीज़ का इलम नहीं होता, बाज़ पेशेंट हमारे पास आते हैं वो कहते हैं जी मैंने YouTube से ये सुना, मैंने इंटरनेट से ये सुना, मैं फलां हकीम से ये सुन के आई। हम उससे कहते हैं कि उनको छोड़ें, आप हमारे पास जब फिजिकल हमारे सामने बैठे हैं तो डॉक्टर की जो आँखें होती हैं वो किसी लेबॉर्टरी, किसी अल्ट्रासाउंड, किसी MRI मशीन से कम नहीं होती। अच्छा।